हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ना हम आपको सिखाएंगे कि आप इस तरह का सीवी बैकग्राउंड एंड फेस को गोरा कैसे कर सकते हैं, और फ्रेंड्स वन क्लिक में आप अपने शर्ट या टी शर्ट का कलर चेंज कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ना आपको कम्प्लीटली वॉच करना है, ठीक है, तभी आप इस तरह का ना एडिटिंग करना सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का प्रेस दबा दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने फोटो को शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, आपको लाइट है ना, लाइट पे क्लिक करना है। देखिए ब्लैक है, ब्लैक को थोड़ा माइनस कर लेना है एंड वाइट को थोड़ा माइनस कर लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में यही बताऊंगा फ्रेंड्स, आप अपने बैकग्राउंड एंड फेस को कैसे मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए शेडो को आपको बढ़ा लेना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आपके फेस पे बैकग्राउंड पे लाइट कम होगा तो सही से ये एडजस्ट कर देगा, ठीक है। एंड हाईलाइट को 100 माइनस कर देना है। यहाँ से फ्रेंड्स आपको देखिए कॉलर पर जाना है, मिक्स पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ से ग्रीन आना है, ग्रीन कलर पे जाना है, इसका ह्यू आपको बढ़ा लेना है। एंड येलो पे जाना है, येलो का ह्यू आपको बढ़ाना है ये कुछ इस टाइप से। एंड सिचुएशन को थोड़ा बढ़ा लेना है, और देखिए येलो का ल्यूमिनियस है इसको थोड़ा बढ़ा लेना है, ठीक है, इतना बढ़ाना है। एंड यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर पर जाना है। देखिए यहाँ से सिचुएशन को आपको मैनेज करना है, थोड़ा ज़्यादा मैनेज नहीं करना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैनेज करना है, 17-18 के बीच में आपको रखना है, ठीक है। एंड यहाँ से आपको ल्यूमिनेंस को थोड़ा प्लस करना है, ज़्यादा अभी लाइट नहीं आना है फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए फिर से फर्स्ट नंबर पे जाना है, इसका सिचुएशन आपको बढ़ाना है एंड ल्यूमिनेंस को भी फिर बढ़ा देना है। एंड यहाँ से देखिए आपको डन पे क्लिक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा फोटो को देखिए, बिफोर एंड आफ्टर सही से एडजस्ट हो चुका है। एंड यहाँ से ना आपको देखिए फर्स्ट नंबर पे जाना है और प्लस पे क्लिक करके अपने होंठ को ब्रश कर लेना है। देखिए कुछ इस टाइप से आपको सिंपली इस तरह करके ना आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। एंड कलर पे जाना है फ्रेंड्स, इसका ह्यू है ना, ह्यू को थोड़ा बढ़ा लेना है एंड सिचुएशन को आपको प्लस कर देना है। तो इतना करने के बाद से फ्रेंड्स आपको यहाँ से देखिए डन है, डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो लाइटरूम का काम हो चुका है फ्रेंड्स, इसको ना शेयर कर लेना आपको ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर, वहाँ आपको स्मूथ कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं इसमें स्मूथ के वीडियो नहीं बनाया हूँ, अगर आप स्मूथ करना नहीं जानते ना तो मेरे प्रोफाइल को चेक कीजिए, आप देख सकते हैं वहाँ कितना स्मूथ का वीडियो बना हुआ है, बहुत वीडियो है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सिंपली स्मूथ करके रखा हूँ, इसको लेके चलते हैं सिंपली पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने, देखिए मेरा स्मूथ करने के बाद से ना कुछ इस टाइप से मेरा फोटो बनके तैयार हो चुका है, ठीक है। तो इसको सिंपली देखिए पिक्सार्ट एप्लीकेशन में आपको शेयर कर लेना है एंड इफेक्ट है ना, इफेक्ट पर क्लिक करना है। और आपको दिखा दें फ्रेंड्स, एक क्लिक में आपको बैकग्राउंड ब्लर करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ से देखिए ब्लर पर जाना है, ठीक है, एंड ब्लर का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर देना है, इरेज पर क्लिक करना है फ्रेंड्स, एंड यहाँ से आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो देखिए मेरा बैकग्राउंड है वो ब्लर हो चुका है, एंड यहाँ से ना आपको डन पे क्लिक करना है। इसका आप जितना ब्लर रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ इतना रख लेता हूँ, एंड यहाँ से आपको डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, वन क्लिक में मेरा बैकग्राउंड जो है वो पूरा ब्लर हो चुका है। यहाँ से देखिए इफेक्ट पे जाना, अगर देखिए फ्रेंड्स अगर आपको ना कलर्स में जाना है, देखिए कलर्स है इस पर जाना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ देखिए आपको ग्रीन कलर है वहाँ रख देना है, और कुछ इस टाइप से ना आपको यहाँ ब्लू रखना है, एंड देखिए इतना रख लेना है इसको सेकंड नंबर का, और थर्ड नंबर को इसको थोड़ा माइनस कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ से आपको डन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स मेरा बैकग्राउंड जो है वो सही से बन चुका है, एंड इसको ना आपको शेयर कर लेना है, सेव करके इसको शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो सिंपली फ्रेंड्स अपने फोटो को फिर से लेके आना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, एंड यहाँ से देखिए लाइट पे क्लिक करना है, ब्लैक को थोड़ा माइनस रखना है, ठीक है, तभी आपका फोटो HD में होगा। एंड हाईलाइट को सब सेम रहने देना है, सिर्फ ब्लैक को आपको माइनस रखना है। कलर में जाना है फ्रेंड्स, और यहाँ से मिक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ब्लू कलर पर जाना है, ब्लू कलर मेरा बैकग्राउंड हो चुका है, तो इसका ह्यू ना थोड़ा माइनस करना है, ज़्यादा माइनस नहीं करना है, थोड़ा माइनस करना है। एंड सिचुएशन को आपको 100 प्लस कर देना है। तो देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है पूरा ब्लू हो चुका है, ठीक है, देखिए हो गया ना। एंड यहाँ से देखिए इस पर जाना है, इसका सिचुएशन है थोड़ा माइनस एंड ह्यू को थोड़ा प्लस कर लेना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए यहाँ सेकंड नंबर पे जाना है, मेरे फेस पे लाइट कम है तो सिंपली आपको सिचुएशन को थोड़ा माइनस रखना है, ज़्यादा माइनस नहीं रखना है, 10 या तो 8 रखना है। एंड ल्यूमिनेंस को आपको प्लस करना है, देखिए आप जितना फेस पे लाइट ला सकते हैं, ठीक है, जितना अच्छा लगता होगा आपको उतना रखना है। एंड यहाँ से देखिए आपको सिंपली डन पे क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद से फ्रेंड्स आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है, और देखिए आपको क्लियरिटी को ना हमेशा बढ़ाना है हर फोटो में, तभी आपका फोटो HD में बनेगा, ठीक है। तो देखिए मेरा फोटो जो काफ़ी अच्छे से बन के तैयार हो चुका है, एंड इसको ना अबर शेयर कर लेना है, Facetune 2 एप्लीकेशन का नाम है फ्रेंड्स, उसमें शेयर कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन का नाम है Facetune 2, ठीक है। तो
तो ये एप्लीकेशन आपको ना प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड देखिए इस पर क्लिक करना है, गैलरी का लोगो है, इस पर क्लिक कर देना है। एंड अपने फ़ोटो को ना सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी फ़ोटो को आप एडिटिंग करना चाहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा फ़ोटो आ चुका है। तो आपको ना फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन में बहुत ऐसे कमाल का इफेक्ट है, जिससे आप अपने बैकग्राउंड या फिर शर्ट या फिर फेस को एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आपको ना रखना है, तभी आप एडिटिंग सही से कर पाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको फेस पे जाना है, ठीक है। तो आपको ना नेट को ऑन कर लेना है, तभी आपका जो ये एप्लीकेशन है चलेगा। एंड देखिए आपको स्माइल है, देखिए स्माइल लिखा है, आप इसको बढ़ाएंगे ना तो स्माइल आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ मेरा स्माइल सही नहीं लग रहा है, तो इसको सिंपली मैंने क्लोज कर देना, ठीक है। तो स्मूथ में जाना फ्रेंड्स आपको, सिंपली देखिए अगर आपका फेस स्मूथ सही से नहीं हुआ हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑटो पे क्लिक कर देना है, तो देखिए मेरा फेस जो है सही से स्मूथ हो जाएगा, अगर नहीं हुआ होगा तो, ठीक है। तो इतना करने के बाद से फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं कि अब वन क्लिक में ना अपने शर्ट या फीडबैक सॉरी टी शर्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लाउथ में जाना फ्रेंड्स एंड थोड़ा देर वेट कर लेना, क्योंकि इसमें तो नेट सही से चल नहीं रहा है, फास्ट नहीं चल रहा है इसलिए। तो देखिए यहाँ से ना ये वाला कलर आपको सिलेक्ट कर लेना, देखिए वन क्लिक में जो है मेरा शर्ट का कलर चेंज हो रहा है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आपके शर्ट पे लाइट नहीं होगा तो आप लाइट ला सकते हैं, देखिए इसको थोड़ा मेहनत या प्लस कर सकते हैं। तो सिंपली देखिए ये वाला कलर हम रख लेते हैं। और फ्रेंड्स इसमें बहुत ऐसे शर्ट है कि आप रख सकते हैं, देखिए ये वाला शर्ट बहुत अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसको अगर आप नहीं पहन के खिंचाएँ कभी फोटो तो ये वाला आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए हो गया ना, काफ़ी अच्छे से मेरा शर्ट का कलर चेंज हो जा रहा है, देखिए काफ़ी अच्छे से चेंज हो गया है। तो यहाँ से फ्रेंड्स मेरा ये कलर बढ़िया है, तो सिंपली ये वाला कलर मैं रख लेता हूँ, ठीक है। लाइट को थोड़ा मैनेज कर लेता है। एंड यहाँ से ना आपको डन पे क्लिक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स वन क्लिक में मेरा शर्ट का कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इतना करने के बाद से फ्रेंड्स दिखाते हैं आपको कि आप आँख में लेंस कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स आपको आइस में जाना है, देखिए आइस है, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। और देखिए आप जो भी कलर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, देखिए ये वाला कलर अच्छा लगेगा इस बैकग्राउंड में, ठीक है। तो सिंपली आपको यही वाला कलर रखना है एंड इसको ना थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो देखिए आई का कलर है वो चेंज हो जा रहा है, हो रहा है ना। तो सिंपली फ्रेंड्स इतना करने के बाद से आपको ये डिटेल्स है, डिटेल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ाना है, तो इससे क्या होगा देखिए आँख में थोड़ा चमक आ जाएगा, देखिए आ रहा है ना, देखिए आ गया ना। तो देखिए इतना करने के बाद से इस पर क्लिक करना है एंड कोई भी आप रख सकते हैं, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जैसे भी आँख रखना चाहते होंगे वैसे रख सकते हैं। तो सिंपली मैं ये वाला रख लेता हूँ एंड इसको ना थोड़ा मैनेज कर देना है। तो डन पे क्लिक कर देना फ्रेंड्स, देखिए मेरा जो आई है वो काफ़ी अच्छे से बनके तैयार हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा शर्ट एंड आई बनके तैयार हो चुका है एंड बैकग्राउंड में अब इफेक्ट लाना है, ठीक है। तो आप इफेक्ट कैसे ला सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स ब्लैक ड्रॉप, देखिए बैक ड्रॉप है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ से आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये वाला भी इफेक्ट ला सकते हैं, ये भी ला सकते हैं, काफ़ी कमाल का इफेक्ट है, ये भी आप रख सकते हैं, देखिए काफ़ी अच्छे से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है मेरा फ़ोटो, देखिए लग रहा है ना। एंड यहाँ से ये भी आपको सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए हो रहा है ना। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे इफेक्ट है, आप इस तरह करके ना आप ऐसे ऐसे इफेक्ट को रख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं ये वाला रख लेता हूँ, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसलिए मैं इसी को रखता हूँ, ठीक है। तो इसको साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेना है एंड यहाँ से ना आपको डन पे क्लिक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे बैकग्राउंड में जो इफेक्ट है वो आ चुका है। तो इतना करने के बाद से फ्रेंड्स आपको सिंपली इधर से आना है और देखिए आप इसका अगर अपने बैकग्राउंड में बादल या फिर कुछ रखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको रख लेना है, ठीक है। अगर आप फुल फोटो एडिटिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ से बादल को रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो बादल से रहेगा ना, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा फ़ोटो जो है ना काफ़ी अच्छे से बनके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके ना इससे आप काफ़ी कमाल के फ़ोटोज़ को एडिटिंग कर सकते हैं। तो देखिए बिफोर एंड आफ्टर, देखिए काफ़ी अच्छे से मेरा बैकग्राउंड एंड शर्ट पे इफेक्ट आ चुका है एंड आइज भी सही से बन के तैयार हो चुका है। तो सिंपली फ्रेंड्स इस फ़ोटो को सेव करने के लिए आपको देखिए ऊपर में सेव डाउनलोड का जैसा ऑप्शन होगा, तो सिंपली आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से देखिए सेव्ड लिखा जाएगा, तो आपका फोटो ना सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइज़।